इसको मैं इस तरीके से लूँगा, यहाँ से क्रॉस होते हुए ये निकल गया तो ओके भाई। भैया ये रास्ता अब निकालना है, चलो थोड़ी सेटिंग कर लूं। दोस्तों है तो इतना आसान नहीं है, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखता हूँ ऑफ रोड के लिए रोड फाइंडर क्या आज कामयाब होता है या नहीं। तो ये जय माता दी। अभी तो मैं यहाँ से यहाँ से आप मुझे धक्का मकाम निकाल लगा के ही निकालनी चाहिए, वही मेरी समझदारी है, क्योंकि उससे गाड़ी स्लिप नहीं होगी। मेरे लिए भी स्पेस चाहिए। अब मुझे अपनी भी स्पेस चाहिए, ये देख लीजिए। हाय, ये छोटा मोटा चलता है जी। क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी दबानी है ना। लो दोस्तों यहाँ तक तो निकाल लिया।
ये रास्ता यहाँ तक तो निकाल लिया है, ये रास्ता था, ये देखिए ये रास्ता था, इसमें उतारा नीचे हमने। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है वो देखता हूँ। अंजू भाई यही दोबारा एक सज्जन मिल गए, तो उन्होंने कैमरा पकड़ने में मेरी हेल्प की है, तो मैंने कहा आप वहाँ से मेरी वीडियो कीजिए, मैं ये वाला ट्रैक निकालता हूँ। धक्का तुस अगे जाओ, उस तुस अगे जाओ उधर। हाँ यहां तक तो भैया बहुत फर्स्ट क्लास, सर ने धक्का दिया, हेल्प की है मेरी यहाँ पे वहां से निकालने के लिए। और दूसरे भाई साहब देखिए मेरी वीडियो कर रहे हैं, उनको भी लगा लो हिसाब की, उनको भी शौक होगा। अब ये रास्ता था, यहाँ से मैंने ये रास्ता क्रॉस किया, ये रास्ता है, ये स्ट्रीप है पूरी ऊपर से, वहाँ से तो आराम से आ गया हूँ, बीच में था थोड़ा सा, उसके बाद ये क्रॉस करके। अब दोस्तों ये सज्जन है, इन्होंने घर पे मुझे बुलाया, इनका घर भी रास्ते में ही है, बहुत आदर किया मेरा कि सर आइए चलिए 5 मिनट बैठते हैं और देख लीजिए, मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने कहा आया हूँ तो कम से कम इस जगह का ये शॉट ले लूँ, आप भी देखो कि कैसी जगह है। तो अभी इनके घर जाके फिर मैं इनसे वहाँ से बैठ के थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या गांव का क्या नाम है, कैसा रास्ता है, कहाँ से रास्ता आता है, तो फिर वहाँ पे आपको मैं मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं नए एपिसोड में मिलता हूँ इनके घर जाके, तो वहाँ बातचीत करते हैं। ओके बाय। सरना हूं पार्क रूट अपना नाला
ओ खिड़की। अच्छा उन्हें अंदर जाना बारे। अच्छा अच्छा दोबारा जाम हो गई है। कहते हैं इससे सब काम हल हो जाते हैं। ओए किकड़ थोड़ी ओ फसी गई बिच, रेत फसी गई नहीं मुड़ा दी नहीं है। अच्छा। तेल दिना थोड़ा रहा ओ कोई गल नहीं। हाँ जी ये देखिए भाई साहब मेरे लिए रास्ता खोल रहे हैं, यहाँ से बंद किया होगा। शायद ये जानवरों के कारण होगा कि जानवर आते होंगे तो इन्होंने रास्ता खोल दिया। अभी आगे यहीं पे घर इनका यहीं पे या कहीं आगे जाना रहा कार अगे ना। अच्छा अच्छा तो अभी आगे रुकता हूँ तो ये सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो लियाकत जी ने वहाँ से रास्ता खोल दिया था, वहाँ से तो गाड़ी मेरी क्रॉस हो गई है दोनों साइड से। और ये यहाँ का नज़ारा है, ये देखिए ये जो छोटा नाला आ रहा है वो जो मैंने अभी दो दफ़ा क्रॉस किया यही मुझे आगे रास्ते पे लगाएगा। लियाकत जी पार करना ली, पार करना सर ली। चलो सर अगे चलो फिर पता लगी आग ना। तो नहीं तुम चलो अगे रखो नी, फिर मैं थोड़ी थोड़ी दूर रुकी जन्ना ना। हाँ तुम अगे रहो पता रोंदा कि लियाकत जी जा रहे हैं अभी आगे। रास्ता ये ऊपर भी खड़ा है, यहाँ पे घर तो काफ़ी है, घर का नहीं है, घर तो काफ़ी है इस एरिया में, मगर बात यही है कि कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी के चक्कर में थोड़ा इनको प्रॉब्लम तो होती है, वो तो सभी को मालूम है कि अब मगर अगर गवर्नमेंट कहती है टूरिज्म परमोट तो आपको ये एरियों की कनेक्टिविटी तो ठीक कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, मैं तो चलो आ गया, बाकी और जिसने भी आना होगा वो भी दो दफ़ा सोचता। ये सैंडी ट्रैक है, सैंड पे इस वक्त बिल्कुल रेत है, बिल्कुल बारीक रेत है, इसमें एक भी कण नहीं दिख रहा, एक भी पत्थर नहीं मुझे दिख रहा, बिल्कुल प्योरली प्योर रेत है ये। और इस पे राइड करना है, वो देखिए वाह इंडिया गेट क्या शानदार चीज़ है, उसी के पास लगाता हूँ ब्रेक। क्या शानदार जगह है यार, मगर यहाँ पहुँचने के लिए और कोई रास्ता अभी बात करूंगा। वाह क्या यार क्या शानदार जगह है, वाह
क्या शानदार जगह है यार। गाड़ी कभी भी रोको तो ऐसी जगह पत्थर पे रोको भैया, गिर जाएगी। वाह क्या चीज है यार, वाह क्या ये, और ये दोनों जैसे आपको लगता है कि कोई कटिंग की हो। ये देखिए ये नज़ारा, वाह क्या शानदार जगह है यार। ये लियाकत जी, लियाकत जी ये नाला कुछ आ रहा नहीं, इसी नाले अगर इतने पुजना हुआ नाले नाले अगर गड्डी आई सकती है कोई तरीके, और गड्डी नहीं जीप नहीं आई सकती। अच्छा ये उधर नहीं बड़ी डबर जड़ी थले चली गई है, ये बिजाल ताली तू तेरी हुई वाली। अच्छा ये भाइयों ये वो रास्ता है, ये वो नाला आ रहा है जो सीधा तूते की खुई, मैं सोच रहा था इस साइड है मगर नहीं, ये इसने टर्न लिया हुआ है और ये टर्न लेके सीधे तूते खोई जिस जगह तक मैक्सिमम ऑफ रोडर आते हैं वो ये वो ट्रैक है। मगर यहाँ पे पहुँचने के लिए टू व्हील ही गाड़ी आ सकती है, फोर व्हील नहीं आ सकती क्योंकि रास्ता अभी ख़राब है। तो क्या शानदार जगह है यार, वाह मुझे तो ये दोनों पिलर मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, क्या शेप है इनकी। इनके ऊपर देखो घर भी बने, ऊपर तोते बैठे हैं, तोते ही है, हाँ तोते हैं इन पे। अच्छा ठीक है दोस्त।